नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जनजागरण यात्रा भगवान श्री राम के जयकारे के साथ सैकड़ों की संख्या में भव्य यात्रा निकाली गई। खास बात यह है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जनजागरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं जगह जगह भक्तों ने फूल मालाओं से श्री राम जी का सम्मान किया। रैली के दौरान हनुमान जी के रूप में मौजूद कलाकार आकर्षक के केंद्र रहे। शोभा यात्रा के दौरान भोगनीपुर थाने की पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री मधुराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते देश में जगह जगह जन जागरण यात्रा निकालते हुए राम मंदिर निर्माण में अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग करने की अपील की गई थी, जिसके चलते आज कस्बा भोगनीपुर में जन जागरण यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए राम जानकी मंदिर तक बड़े धूमधाम से यात्रा निकाली गई। भोगनीपुर कस्बे में एक रैली निकाली गई है, किस बेस को लेकर निकाली गई है? आज पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम मंदिर समर्पण निधि के माध्यम से पूरे देश में जागरूकता अभियान फैला हुआ है। चूंकि पूर्व में लगभग 500 वर्ष पूर्व से लगातार सम्मानित कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आया, उस सम्मानित निर्णय का हम सब लोगों ने विशेष स्वागत करते हुए जन जागरण अभियान के तहत कानपुर देहात के अमरौदा विकास खंड में भोगनीपुर कस्बे में यह भव्य शोभा यात्रा भगवान श्री राम के पदार्पण पे यह भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी परिवार व समग्र समाज के सर्व समाज के हिंदू वर्गों से आग्रह होते हुए इस कार्यक्रम की आहूत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत हम प्रत्येक दरवाजे में जा जाकर समर्पण निधि के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए आग्रह करते हुए उनका जो भी सहयोग जन सहयोग हमें प्राप्त होगा, उस सहयोग की आकांक्षा को रखते हुए आज के इस विकास खंड के शुभारंभ अवसर पर हम सब लोग आने वाले 30 जनवरी के बाद से लगातार फरवरी माह में प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक दरवाजे में, प्रत्येक जन आकांक्षाओं के साथ हम प्रत्येक वर्ग में जाने का कार्य करेंगे और जो भी इस जन सहयोग हमें प्राप्त होगा, उस सहयोग की अपेक्षा रखते हुए भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में उनका सहयोग प्राप्त करके आगे की क्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।